गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया को अमेरिका और उसके सहयोगियों के हमले से बचाने के लिए रूस ने 18 महीने पहले ही प्लानिंग बना ली थी, लिहाजा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के हमले से सीरिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इन देशों की ओर से सीरिया पर कुल 103 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से सीरिया ने 71 मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया। अमेरिका द्वारा सीरिया पर केमिकल हमले के जवाब में किए गए हवाई हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। हालांकि सीरिया के होम्स में 3 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। रूसी जनरल स्टाफ के मुख्य ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के प्रमुख जनरल कर्नल सरगई रुडस्कोई ने कहा कि सीरिया ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की क्रूज मिसाइल को मार गिराने के लिए जिन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया उनमें S-125, S-200, बक क्वाड्रेंट, ओसा एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इन सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की मदद से तैयार किया गया है। रूस पहले ही जानता था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश सीरिया पर हमला कर सकते हैं, जिसके चलते उसने सीरिया को एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार मुहैया कराना शुरू कर दिया था। रूसी जनरल के मुताबिक रूस पिछले 18 महीने से सीरिया को एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही उसको लगातार जारी रखे हुए है। रूस की समाचार एजेंसी ताशा ने रूसी जनरल रुडस्कोई के हवाले से बताया कि सीरिया पर अमेरिका ने B-1B प्लेन से टॉमहॉक और GBU-38 गाइडेड बम दागे, साथ ही F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों से हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल दागी। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी सीरिया पर टोर्नाडो एयरक्राफ्ट से 8 स्कल्प EG मिसाइल दागी। इसका सीरिया ने भी कड़ा जवाब दिया और 103 में से 71 मिसाइलों को मार गिराया। अब रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से निपटने के लिए सीरिया को S-300 मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे सीरिया को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हमले को फेल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।